दोस्तों, एग्रीकल्चर और खाद्य पदार्थों की सप्लाई के मामले में आत्मनिर्भर भारत दुनिया के कई देशों से कहीं गुना ज्यादा अच्छा है। आज भारत में दाल, चावल, आटा, दूध और चीनी जैसे बेसिक आइटम की कीमतें इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ी बढ़ी जरूर है, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए भारत में मौजूद खाद्य पदार्थों की कीमतों को अरब देश या फिर यूरोपियन देशों से कंपेयर करें तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि भारत में हालात कितने ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे देशों की बात करें जहां पर चावल जैसे बेसिक आइटम की भी कमी है, तो उसमें सबसे पहले ईरान सामने आता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध इतने घातक साबित हुए हैं कि मौजूदा समय में ईरान के अंदर ऊर्जा के साथ साथ खाद्य पदार्थों का एक बहुत भयानक संकट खड़ा हो चुका है, जिसके तहत अब ईरान में चावल और आटे जैसे बेसिक आइटम के लिए भी लोगों को काफी सोच समझ कर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास चावल और दूसरे खाद्य पदार्थों की कोई भरोसेमंद सप्लाई मौजूद नहीं है। और अब इसी संकट के बीच भारतीय चावल निर्यातकों ने भी ईरान को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय चावल निर्यातकों ने ईरान को चावल की अगली खेप भेजने से साफ इनकार कर दिया, जिसने ईरानी सरकार की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि एक तो पहले ही पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अब भारत जैसे मित्र देशों के निर्यातकों की तरफ से चावल की सप्लाई पर इतने कठोर फैसले लिए जाने के बाद ईरान में चावल, आटे और गेहूं जैसे बेसिक आइटम की भारी कमी होनी शुरू हो गई है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय निर्यातकों ने इतना बड़ा फैसला उठाया ही क्यों है। तो दोस्तों, बता दें कि भारतीय चावल निर्यातकों के पास ईरान को चावल की अगली खेप न भेजने का एक सॉलिड रीजन मौजूद है। दरअसल ईरानी सरकार ने भारतीय चावल निर्यातक कंपनियों के 700 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया है, यानी इतना बड़ा अमाउंट अभी भी ईरानी सरकार पर बकाया है, जिसे लेकर कई बार हमारे एक्सपोर्टर्स ने ईरान से कहा कि वे भारतीय कंपनियों की पेमेंट रिलीज कर दे, लेकिन कुछ आर्थिक कारणों की वजह से ईरानी सरकार भारतीय कंपनियों को पेमेंट करने में असफल रही, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स ईरान को अतिरिक्त चावल की सप्लाई नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं बल्कि ईरानी सरकार की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है, जिसके तहत आज एक अमेरिकी डॉलर 42,275 ईरानियन रियाल के बराबर है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की करेंसी और अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह है कि इस स्थिति में अगले कुछ महीनों या सालों तक सुधार की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से अब भारतीय चावल निर्यातकों ने भी ईरान से दूरी बनाने का फैसला किया है, क्योंकि आखिर बिजनेस में हम बिना अपना प्रॉफिट देखे लगातार चावल की सप्लाई नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारत ने अपने सभी शिप्स कंटेनर को जो ईरान की तरफ जा रहे थे उनको रोकने का फैसला किया है। हालांकि इस पूरे सिचुएशन पर ईरानियन सरकार का कहना है कि जो भी पेमेंट बकाया है वह सिर्फ जनवरी से लेकर मार्च के बीच की है, यानी साल 2022 और उसके पहले की सारी पेमेंट ईरान ने क्लियर कर दी है। यही वजह है कि ईरान चाहता है कि भारतीय कंपनियां उनके साथ थोड़ा कोऑपरेट करते हुए चावल की सप्लाई बंद ना करे, क्योंकि ईरान भी भारतीय कंपनियों का बकाया 700 करोड़ की पेमेंट रिलीज करने के लिए कोई तरीका निकाल रहा है, जिसमें उन्हें जल्द ही कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ऐसे में अगर चावल की सप्लाई रुक जाएगी तो ईरान की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो सकती है, इसीलिए ईरान चाहता है कि भारतीय चावल की सप्लाई ना रुके। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर ईरान और पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत ईरान से सटी सीमा पर पाकिस्तान को अब एक काफी बड़ा झटका लगा है, जिसके तहत ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर किए गए हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान मारे गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान को अभी तक सिर्फ तालिबान और अफगानिस्तान सीमा पर ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब ईरान से सटी पाकिस्तानी सीमा भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, जो पाकिस्तानी सेना के लिए अब तक का सबसे बड़ा सिरदर्द होगा। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में बढ़ते विवाद और सीमा तनाव को देखते हुए ईरान की तरफ से अचानक हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तानी बॉर्डर पेट्रोल के कई जवान मारे गए। हालांकि ईरान ने अभी तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक जानकारी या पुष्टि नहीं दी है, जिसका फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला ईरान की तरफ से ही किया गया है। हालांकि जिस तरह से तालिबान के बाद अब ईरान भी पाकिस्तानी सेना पर जमकर हमले कर रहा है, इसने ये बात तो साफ कर दी है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले समय और भी ज्यादा मुश्किल होगा, जिसमें पाकिस्तान को न कि सिर्फ लगातार बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा, बल्कि ईरान और तालिबान भी पाकिस्तानी सेना के लिए एक काफी बड़ा खतरा बनेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी पहली खबर में बताया कि भारतीय चावल निर्यातकों ने पेमेंट बकाया होने की वजह से ईरान को चावल की सप्लाई रोक दी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ईरान के साथ अपनी मित्रता देखते हुए अपने निर्यातकों को कहना चाहिए कि हम ईरान को चावल की सप्लाई वापस शुरू कर दे और पेमेंट की गारंटी दोनों देशों की सरकार मिलकर लेंगे, या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।